राधे राधे मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भगवान शिव का पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सावन में भगवान और भक्त के बीच की दूरी बहुत कम होती है। भगवान शिव बहुत भोले भाले हैं तो उनका नाम भर लेने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और यदि पूरे सावन में आप भगवान शिव का पूजन जल और बेलपत्र से करते हैं तो यह भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनाता है। दोस्तों, सावन में भगवान शिव को केवल बेलपत्र से ही नहीं बल्कि 8 और भी ऐसे पत्ते हैं जिनको अगर आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं उन्हीं 8 प्रकार के पत्तों की जो भगवान शिव को बिल्व पत्र की तरह ही पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से हैं वे पत्ते। सबसे पहला है शमी का पत्ता। शास्त्रों में शमी के पत्ते को बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि शमी के पत्ते भगवान शिव के साथ ही साथ गणपति को भी चढ़ाए जाते हैं। सावन माह में शिव जी को शमी के पत्ते चढ़ाने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। दूसरा है अपामार्ग के पत्ते। सुख में वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए सावन में शिव जी पर अपामार्ग के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। अपामार्ग के पत्ते से शिव पूजन करने पर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। तीसरा है पीपल के पत्ते। अगर आपके पास सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा करने के लिए बेल पत्र नहीं है तो पीपल के पत्तों से भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथा है धतूरा। भगवान शिव की प्रिय चीजों में धतूरा खास तौर पर शामिल है और अगर बेल पत्र नहीं है तो आप धतूरे से उनका पूजन कर सकते हैं। धतूरे से भगवान शिव का पूजन भी बहुत कल्याणकारी माना जाता है। पांचवा है भांग। सावन के महीने में भगवान शिव पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग आपके बेलपत्र की कमी को पूरा करता है। सावन में भांग भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। छठवां है दूर्वा। सावन में भगवान शिव से लंबी आयु का वरदान यदि आप चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार दूर्वा में अमृत का वास माना गया है और दूर्वा गणपति के साथ ही साथ शिव जी को बहुत प्रिय है। सातवां है बांस। सावन में भगवान शिव का पूजन आप बांस के पत्तों से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान सुख की चाहत है वह बांस के पत्ते भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। बांस के पत्तों को पीसकर इससे शिवलिंग का यदि आप निर्माण करके पूजन करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आठवां है आंख। शिव पुराण के अनुसार आंख भगवान शिव के प्रिय पुष्प हैं। भगवान शिव को आंख के फूल और पत्ते दोनों चढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु से व्यक्ति की रक्षा होती है। तो ये हैं वे 8 प्रकार के पत्ते जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और अगर आप सावन में भगवान शिव का पूजन इनसे करते हैं तो निश्चय ही आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।